ओम शांति ओम शांति ओम शांति हम सभी बहुत भाग्यवान हैं, क्योंकि स्वयं भगवान आकर हमारा कंपेनियन बना साथी बन गया है कभी सोचा भी नहीं था हम तो केवल यह सोचते थे कि एक बार भगवान को देख लें उनके दर्शन हो जाएं, बाकी कुछ पता नहीं था कैसा सुंदर अवसर मिला कैसा श्रेष्ठ भाग्य खुला कि भगवान आकर हमारा साथी बन गया बाबा ने मुरली में कहा बाप बच्चों को एक सौगात दे रहे हैं और वो है मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ कितनी बड़ी बात है भगवान स्वयं बार बार याद दिला रहे हैं मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ क्या हम भी अपने को याद दिलाते हैं कि स्वयं भगवान हमारे साथ है रोज सवेरे उठकर हमें ये स्मृति का तिलक अपने को देना है अपने को अच्छी तरह समझाना है रोज एक बार सवेरे कि भगवान हमारा साथी है वो हर कदम पर हमें साथ दे रहा है जब भी हम उसे साथ के लिए कहेंगे बुलाएंगे वो हमें साथ देगा रोज एक बार पक्का कर दें और सोते समय पक्का कर दें। हो सके तो बीच में पक्का कर दें। इससे हमें ये पक्की स्मृति और नशा रहने लगेगा कि भगवान हमारा साथी है इससे बहुत सारी चिंताएं और भय भारीपन निगेटिव चिंतन क्या होगा ऐसे ना हो जाए वैसे न हो जाए ये सब समाप्त हो जाएगा हम उसको सब कुछ देने लगेंगे तो इससे बड़ी खुशी और क्या होगी आत्मा चेयरफुल रहेगी बस बीच बीच में कॉन्शियस में ले आना है कि भगवान मेरे साथ है वो साथ ही बन गया है कंपेनियन जैसे किसी पत्नी की शादी किसी बड़े व्यक्ति से हो जाए उसको ये याद रहता है कि मेरा पति इतना बड़ा आदमी है वो मेरा जीवन साथी है तो भले ही वो साथ हो ना हो दूर हो लेकिन ये स्मृति उसको उसी गुड फीलिंग में ग्रेट फीलिंग में रखती है तो हम भी बहुत खुश रहेंगे यदि हमें यह याद रहेगा भगवान हमारा साथी है साथ में हम अपनी चेयरफुलनेस को हर्षित चित्र को जरा चेक करें एक ही बात होती है समस्याएं तो हैं बातें भी बहुत हैं संगठनों में परिवारों में लेकिन हम उसके बाद सोचते क्या हैं हम निगेटिव सोच लेते हैं उल्टा सुल्टा कमज़ोर सोच लेते हैं उसका इफेक्ट मन पर आ जाता है क्या होता है ये हमें देखना है कौन सा संकल्प हमारी खुशी को हमारी आंतरिक हर्षित स्थिति को छीनता है इसकी हमें चेकिंग अवश्य करनी है अगर संकल्पों पे हमारी चेकिंग रहेगी तो हम सदा ही हर्षित रहेंगे हम सदा ही आनंदित रहेंगे और अगर चेकिंग नहीं है तो कोई भी संकल्प हमारी खुशी को हमारी आंतरिक चीयरफुलनेस को हमसे छीनता रहेगा तो बहुत ध्यान देना है खुश रहना भी अपने हाथ में है लेकिन महान चिंतन जो श्रेष्ठ विचार हैं वो हमारी इस चेयरफुल स्थिति को स्थाई बना देते हैं और अगर हमारे मन में कामनाएं बहुत रहेंगी हम नाम चाहते होंगे सेवा में टकराव होता रहेगा कोई स्वार्थ मन में होगा तो हम खुश नहीं रह सकेंगे और खुशी से जो बल मिलता है आत्मा को वो भी हमें प्राप्त नहीं हो सकेगा तो हम पंद्रह दिन तक बहुत अच्छा अभ्यास करेंगे भगवान हमारे साथ है वो हमारा साथी बन गया और इस पर चिंतन अवश्य करेंगे जब भगवान साथी है तो क्या क्या होना चाहिए क्या क्या नहीं होना चाहिए ये हम आप सबको होमवर्क दे रहे हैं इस पर आप गहन चिंतन करेंगे जो नहीं होना चाहिए उससे मुक्त होते चलेंगे को हम सभी भगवान के साथ का अनुभव करते हुए सदा हर्षित रहकर इस संगम युगी जीवन का आनंद प्राप्त करते चले तो आप सबको बहुत बहुत थैंक्स ओम शांति